हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, उसके लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर के अंदर जो थोड़ा हार्ड लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट आपको बहुत ही इजी लगेंगे। तो आज हम सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये एक फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है जो हमने पहले स्टडी किए हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसी का एक पार्ट होने वाला है। बस थोड़ा इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। कंप्लीट जो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। और जो फार्मास्यूटिक्स आती है हमारी, उसके अंदर हमें जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी करने होते हैं, जैसे मेडिसिन क्या होती हैं, डोजेस, फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड, इनके बारे में स्टडी करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जिससे हम टेबलेट बनाते हैं, जिससे हम इमल्सन बनाते हैं, वो एपरेटस कौन से होते हैं, क्या है उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनके बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर में स्टडी करना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका दे रखा है, सबसे पहली जो यूनिट का पहला टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। एक टॉपिक ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बाकी आगे जो टॉपिक आएंगे वो सब कुछ इजीली समझ में आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हार्ड टॉपिक ही हमें स्टार्ट करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है। फ्लो ऑफ फ्लूइड इस हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब कि कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, वो फ्लो कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर रहा है, उसको हमने बोल दिया फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब इसके ऊपर ही हमें कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी है। देखिए, फ्लूइड इज ए सबस्टेंस सच एज गैस और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड में लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, दैट हैज नो फिक्स शेप। अब आप सभी जानते हैं कि गैस और जो लिक्विड है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है कि हम बता दें कि ये इतने साइज का है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी फिक्स शेप नहीं होती है। एंड फ्लो इजीली अपॉन एप्लीकेशन ऑफ, और थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इजीली फ्लो करने लग जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की। अब देखिए फ्लो क्या होता है। फ्लूइड के बारे में हमने बात कर लिया कि गैस या लिक्विड हो सकता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है और ये इजीली एक्सटर्नल प्रेशर से मूव कर देता है। लेकिन फ्लो क्या होता है। फ्लो इज डिफाइन एज द एक्शन ऑफ मूविंग अलोंग इन ए स्टेडी और कंटिन्यूअस स्ट्रीम। एक्शन ऑफ मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं हम फ्लो। तो यह समझ में आया आपको। फ्लो ऑफ फ्लूइड इज ए पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट डील विथ फ्लूइड डायनेमिक्स एंड इट्स मोशन ऑफ गैस एंड लिक्विड। वही बात हो गई कि फ्लो ऑफ फ्लूइड हो गया मतलब कि जो गैस एंड फ्लूइड लिक्विड्स हैं वो मोशन करेंगे, मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोल दिया हमने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली कौन कौन से फील्ड्स के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। तो फ्लूइड फ्लो इज क्रिटिकल इन न्यूमरस फील्ड जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली वाटर सप्लाई जो सिस्टम बनाया जाता है हाउस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, उसमें यूज होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मशीनरीज होती हैं उनमें जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए यूज होता है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में बेसिकली पोल्यूटेंट को डिस्पर्जन करने के लिए यूज में लिया जाता है किसका, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का। अब कैसे यूज करेंगे, आपको डाउट हो रहा होगा कि फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसे यूज करेंगे। इसके रूल्स हैं, नियम्स हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, जिनके बेसिस पे हम इनको यूज करेंगे यहाँ पे इन फील्ड्स में। अब देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप सभी समझते होंगे क्या होता है, कोई फ्लूइड गाढ़ा होता है तो उस मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और कम मतलब लिक्विड ज़्यादा होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। विस्कोसिटी ए मेजर ऑफ ए फ्लूइड थिकनेस एंड रेसिस्टेंस टू फ्लो। अब देखिए मतलब कि जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो कितना थिक है, गाढ़ा है, उतना ही उसका जो फ्लो है वो
कम होगा, डिपेंड करेगा फ्लो थिकनेस पे, विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लूड इजीली फ्लो कर जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इन्फ्लुएंसिंग ब्यूएंसी एंड फ्लो बिहेवियर। मास पर यूनिट वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, वेट कितना है, अगर वो ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट है प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली तभी तो फ्लूड हमारा मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूड विच अफेक्ट इट्स मूवमेंट, मूवमेंट को अफेक्ट करेगा और मूवमेंट करवाएगा। तो ये हो गए कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड्स। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड्स, बेसिकली टाइप्स हैं, टू टाइप्स के फ्लो ऑफ फ्लूड्स होते हैं, लेमिनर फ्लो और ट्यूबुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो में क्या होता है, जो भी हमारा लिक्विड है, गैस है, वो स्मूदली ऑर्डर फ्लो विथ लेयर स्लाइडिंग पास्ट वन अनोदर, मतलब बेसिकली स्मूदली फ्लो करेगा अनोदर और ऑर्डरली फ्लो करेगा। कौन सा फ्लूड? लेमिनर फ्लो के अंदर। ट्यूबुलेंट फ्लो में क्या होगा, चियोटिक फ्लो करैक्टराइज बाय एडीज। इसके अंदर जो फ्लूड का मूवमेंट होने वाला है वो बेसिकली एक लेमिनर, मतलब कि एक स्मूथ और ऑर्डर में फ्लो नहीं होने वाला है, उसमें चेंजेस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो हमें स्टडी अभी नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है डिटेल में। लेमिनर फ्लो ट्यूबुलर फ्लो के बारे में हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूड्स की, देन आगे जो टॉपिक हमें दिए गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। ये जो लेक्चर है वो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन के पर्पज से लिया गया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी आपको, जब आपको डायरेक्टली फ्लो ऑफ फ्लूड्स के बारे में पूछा जाएगा तब आपको ये सब लिखना है। लेकिन अगर इसके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जो मेथड्स दे रखे हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाता है तब आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इंट्रोडक्शन लिख के भी काम चला सकते हैं। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। फर्स्ट है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है बेसिकली इसका, डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम एंड हाइड्रोलिक जो मशीनरीज होती हैं जैसे लिफ्ट है, ब्रेक्स हैं, इनके अंदर इसका यूज होता है फ्लो ऑफ फ्लूड्स का। एरोस्पेस, एरोस्पेस जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमाइज लिफ्ट एंड ड्रैग्स थ्रू एयर फ्लो एनालिसिस, ये सब कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर भी फ्लो ऑफ फ्लूड्स का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव जो इंजन्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है उनका, उसके अंदर एरोडाइनमिक इम्प्रूवमेंट्स फॉर फ्यूल इफिशेंसीज, इनके अंदर भी यूज़ होता है किसका, फ्लो ऑफ फ्लूड्स का। मेडिकल, मेडिकल में बेसिकली यूज़ होता है मेडिसिन में, एनालाइज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है उसको एनालाइज करने के लिए, डायनेमिक एंड डिजाइनिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ड्रग हमें मूव करवानी है, जैसे हमने ड्रग इंटेक कर ली अब वो कंप्लीट ब्लड के अंदर मूव करेगी, फ्लो करेगी, तो ये भी यूज़ होता है फ्लो ऑफ फ्लूड्स का। फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज में बेसिकली कंट्रोलिंग फ्लूड फ्लो इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन, ये कुछ अलग टाइप का फ्लो ऑफ फ्लूड्स आ गया है, बाकी ये हमारे मेन हो गए हैं फोर। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्रूट्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था फ्लो ऑफ फ्रूट्स का। आगे जो भी टॉपिक हमें दे रखे हैं नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करके जाना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।